इंटरनेशनल स्कूल में एक मेडिकल कैंप अरेंज किया, बहुत ज़्यादा अच्छा टर्नओवर रहा हमारा, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आए, स्पेशली गायनी की पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थीं, उनमें हामिला ख़वातीन थीं, ऐसी ख़वातीन थी जिनमें खून की कमी और ब्लड प्रेशर और इस तरह के प्रॉब्लम्स, और बहुत ज़्यादा टर्नओवर अच्छा रहा बच्चों के मामले में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भी लेके आए हुए थे। ये हमारे हॉस्पिटल की एक काविश है कि हम चाहते हैं कि ऐसे लेस प्रिविलेज्ड एरियाज भाराकाऊ के आसपास जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो हम वहाँ पे अपना कैंप लगाएं और यहाँ पर जिन लोगों के लिए बड़े हॉस्पिटल्स में पहुँचना मुश्किल है या उनको आने जाने का कोई मसला है, तो हम उन तक अपनी मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड करें। आज का हमारा ये मेडिकल जो कैंप लगाया हमने, इसमें हमने मेन जो चीज़ सीखी है वो ये है कि आज पेशेंट्स का फ्लो जो था वो बहुत ज़्यादा था, और इस तरह के जो मेडिकल कैंप्स रैंडमली लगते हैं इनमें पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्लो में आते हैं। नॉर्मल जो आपके क्लिनिक्स वगैरह हैं वहाँ पे पेशेंट का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो डॉक्टर के ऊपर एक स्ट्रेस लेवल कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रेस लेवल आपका इंक्रीज़ कर जाता है। फिर हमें यहाँ पे सीखने का ये मौका मिला है कि इस स्ट्रेस लेवल को कैसे बरकरार रखा जाए और इसमें कैसे सर्वाइव किया जाए, पेशेंट के साथ कैसे डील करना है आपने और उनको किस तरह से ट्रीट करना है। हमने अकबर नियाजी अस्पताल वाले ने जो कैंप लगाया है उनके बहुत अच्छा इंतज़ाम है, उन्होंने लोगों को बहुत काफ़ी दवाइयाँ मुफ्त में तकसीम की हैं, मैंने सारा चेकअप कराया, दवाई वगैरह ली, बहुत अच्छा है इनका इंतज़ाम है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा है, अखलाक से चेकअप करते हैं, आराम से देखते हैं, बहुत अच्छा। मैं इन अकबर नियाजी अस्पताल वालों का बहुत मशहूर हूँ। यहाँ पे नई आबादी बाराकाऊ में ये ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं जहाँ पे सारे प्राइवेट डॉक्टर हैं और कोई भी सरकारी हॉस्पिटल ना है नज़दीक तरीन और काबिल डॉक्टर ना हैं, तो ऐसे काबिल डॉक्टर हमें मिलते रहें तो हमारे ये इलाज करवाने में बेहतर सहूलत मैसर आ सकती है। बीइंग अ स्टूडेंट ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इससे एक तो लोगों को फ़ायदा मिलता है जो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरा वो स्टूडेंट्स उनको ये पता चलता है कि हमने मुख्तलिफ जहनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से किस तरह बात करनी है, उनसे किस तरह डील करनी है। मतलब मैं ये समझूँ ये बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका होता है स्टूडेंट के लिए, और बाकी अब आज हम आए हैं बड़ा अच्छा यहाँ पर फील करें, बहुत से लोगों से मिले, उनके अपना प्रॉब्लम्स को देखा, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हुआ। ये बहुत ज़रूरी है आपका ये हिसाब किताब जो हमारे लिए, हम सब मतलब है आवाम के लिए, हम तो आपका शुक्रिया अदा करने काबिल हैं, है ना, पर अच्छे इलाज हो मेरे जैसे बूढ़ों को बच्चों को सबका अल्लाह करे फ़ायदा हो जाए, अल्लाह आपको ज़िंदगी करे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस वजह से आपने हमारी खिदमत के लिए इस अदारे में आए। रिस्पॉन्स था पेशेंट्स का वो बहुत अच्छा था, और उन्होंने ये कहा कि हम डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल आएंगे, और ओवरऑल जो था यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो पेशेंट्स और डॉक्टर्स का आपस में काफ़ी अच्छा डील था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़िंदगी में इस नई आबादी में 12 साल मुझे हो गए कोई कैंप इधर नहीं लगा है, और यह हम अपने सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से ये स्कूल में कैंप लगवाया है, और आए डॉक्टर अकबर नियाजी से और इन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि यहाँ का सब लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था, मैं आई हूँ, मैंने अपना चेकअप वगैरह कराया, बहुत अच्छी तरह मुझे ट्रीट किया गया। बास लोग होते हैं जो गरीब हो सकते हैं वो अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकते, लेकिन अगर ये कैंप यहीं पर लगता रहा तो गरीब लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। ये चीज़ मैं इस दोबारा से अगेन शुक्रिया करूँगी डॉक्टर अकबर नियाजी लोगों का। लोगों का बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर हमने पेशेंट्स का फ्री चेकअप किया है, और यहाँ पर हमने बीइंग अ स्टूडेंट बहुत कुछ सीखा है कि क्योंकि यहाँ पर मतलब जो लोग आते हैं बहुत डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, तो हमने उनका दर्द को भी महसूस किया, दूसरों को देखा भी कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको हमने डील किया आज, और हमसे बहुत कुछ सीखा हमने कि हमारा जो पाकिस्तान के जो डिफरेंट कल्चर है उसके बारे में पता चला कि जो लोग होते हैं उनके दर्द को महसूस करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, और इसमें हमने यहाँ पे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया है, और बहुत से लोगों को हमारे हॉस्पिटल का पता चला जिसकी वजह से वो वहाँ पे टेस्ट करवाने भी आएंगे।